थाना नोहजिल क्षेत्र के अंतर्गत गांव हसनपुर में दो घरों में चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। लाखों रुपए की नकदी चोरी की गई। बताया जा रहा है कि चोरी की घटना पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर की गई है। फिलहाल सूचना पर पहुंची नोहजिल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना नोहजिल के गाँव हसनपुर के रहने वाले सत्तो सिंह डागुर के परिवार के ज्यादातर लोग जाहरवीर बाबा के दर्शन को गए थे और घर में दो वृद्ध थे। इसी दौरान बीती रात घर में चोर घुस गए और घर में रखे सोने चांदी के आभूषण समेत लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। इलाके में दूसरी बार घटना गांव हसनपुर में घटित हुई है, जहां शंकरलाल के घर में चोरों ने दरवाजा तोड़कर घुसे, जिसमें 2.5 लाख रुपए की नकदी समेत सोने चांदी के आभूषण ले भागे। और सुबह जब पता चला तो चोरी की घटना का खुलासा हुआ। बताया जाता है कि चोरी की घटना हसनपुर में स्थित पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हुई है और पुलिस को इस मामले में कोई जानकारी तक नहीं। वहीं पुलिस ने मामले की पड़ताल अब शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम भी मामले में बुलाई गई है। नोहजिल थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि मामले में पूरी जांच की जा रही है और जल्द ही खुलासा किया जाएगा। नाम आपका? मेरा नाम बहादुर सिंह है। बहादुर सिंह जी, क्या घटना हुई आज हसनपुर में? हसनपुर में 10 फरवरी से अब तक रोज घटना चोरी की, लूट की जी है रही है। और स्थानीय पुलिस हमारी जो चौकी हसनपुर में एक ना सुन रही जी, लिख के दे दी, मौखा दी कह दी, और जेव कह दी, माल भी पकड़ा दिया। चोरी के गाटर आ गए स्कूल में 5 जी, पर लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं, नहीं। कैसी सुनाई करी? अब क्या घटना हुई आज? आज ही घर खोखरी को गीप खर को ये पल्लो और रुकइए। करीब कितने रुपए की चोरी हुई होगी? जितना भाई मुंह ना पता की तो कोई जाने। अंदाजा कितना लगाया? कम से कम 1-2 लाख सौदा तो खाली घर में चले जाए। ना 1-2 लाख तो खाली घर में चले जाए। 15 लाख लेकिन अभी ये पुलिस आ रही है, क्या आश्वासन दी गई आपको? हम तो तुम यूँ करो वाले जो कसान नहीं खोलूंगो और तुम वही वो करो मदद। मैं बोल कहा करे मदद देखो, मैं तैयार हूँ। तू कर तो सही जी, ये तो गुंजर है, गुंजर मिला चोर होते हैं। ये कौन ही चोरी खोलेंगे? खुद चोर रहेंगे साले, पुलिस में बात क्यों रहेगी? सही बात है, सही कही।